एक एक करके हम देख रहे हैं कि जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हमारे इंडिया में होती है उन सभी के एडमिशन्स को कैंसिल करके, उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे कैंसिल करके अब जो एडमिशन हो रहे हैं वो 12th के बेसिस पे हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमको न्यूज़ आई थी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब VIT जो होता है उनकी एंट्रेंस एग्जाम को भी अब 12th के बेसिस पे लिया जाएगा, और इसके बाद आज न्यूज़ आई है कि SRM JEE की जो एग्ज़ाम है इसे भी 12th के बेसिस पे और 12th में आपके जितने भी परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पे इसका एडमिशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी एग्ज़ाम्स है, अब मैं आपको बता दूँ कि SRM और जो वेलोर इंस्टीट्यूट है ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो यार इनकी जब एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा जो आप देख रहे हैं दूसरी एंट्रेंस एग्जाम भी जो है वो कैंसिल हो रही है, और जो उनका एडमिशन है मोड ऑफ एडमिशन है उसे चेंज करके 12th बेसिस पर एडमिशन हो रहा है, 12th के नंबर के बेसिस पर एडमिशन हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कंडीशन इतनी वर्स्ट आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन जो केसेस आ रहे हैं वो 28,000 29,000, और ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है UGC की तरफ से। आप देख सकते हैं कि UGC ने प्रिडिक्शन करा है कि एक टाइम आते आते तक एक दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस आएंगे। तो यार आप देख लीजिए कि इस सिचुएशन में एग्जाम को कैसे करवाया जा सकता है। इसी बीच नीट को और JEE को सितंबर में रखा गया है, तो क्या होगा, क्या वो कंडक्ट कराई जा सकती है नहीं कराई जा सकती है, इस पर भी डिसीजन लेना अभी बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है हमारे पास, न्यूज़ है वो ICA और CA एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इस एग्ज़ाम को भी आप देख सकते हैं कि नवंबर तक शिफ्ट कर दिया गया है। इसको ऑलरेडी 2 से 3 बार पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि कोविड की जो कंडीशन है उसे देखते हुए इससे कहा जा रहा है कि इससे कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि रिलेटिवली बहुत छोटी एग्ज़ाम है, मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं वो बहुत कम है JEE और नीट के मुकाबले, फिर भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में काफ़ी ज़्यादा संकोच हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो विचार चल रहा है, क्योंकि हायर अथॉरिटी जो है NTA के साथ मीटिंग्स हो रही है काफ़ी सारी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ICA जो एग्ज़ाम है इसे अब नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, अभी के लिए इसे कैंसिल कर दिया गया है, और नवंबर भी एक डेट दी गई है कि नवंबर में कराने की कोशिश करेंगे, अगर फिर भी कंडीशन बेकार होती है या फिर वर्स्ट कंडीशन आती है तो फिर इसे कैंसिल भी करना पड़ सकता है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को नवंबर में कराएंगे, क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी या फिर किस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे, अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी सिर्फ ये बताया गया है हमें कि नवंबर में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, और फिर क्या होगा आगे जिस तरह की कंडीशन आती है उसके भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द May 2020 CA एग्जामिनेशंस एज द कोविड सिचुएशन कंटिन्यूज टू गेट वर्स्ट, और कोविड सिचुएशन के कारण इसे जो है आगे कैंसिल कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा जितनी भी न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारी एंट्रेंस एग्जाम्स को जो कैंसिल करा जा रहा है या फिर किसी को पोस्टपोन करा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कोविड ने हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एजुकेशन सेक्टर पर कितना बुरा प्रभाव डाला है। तो यार जितनी भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, जितनी भी न्यूज़ आती है मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।